alaikum. So here we are with the result or key of fourth mock test. So of chemistry, obviously. Key for mock four. And this is obviously chemistry. Starts with the question 81. और उसमें था कि एक एलिमेंट है वैनेडियम फॉर्म सेवरल ऑक्साइड्स इन विच चेंज इज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. चार ऑप्शन दिए थे, चारों में वैनेडियम का कोई ऑक्साइड किसी और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और आपको सिर्फ ये बताना है किस में ऑक्सीडेशन है. एक तरीका ये है कि आप सब में वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें और देखें कि किस रिएक्शन में रिएक्टेंट में वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है और प्रोडक्ट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है. और एक दूसरा तरीका ये है कि ऑक्सीडेशन का मतलब एक ये भी है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन. तो आप ये हिसाब लगाएं कि इन विच रिएक्शन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जो वैनेडियम के एक एटम से लगे हुए हैं वो कम है और जो प्रोडक्ट में है वो ज़्यादा है. जिस भी तरीके से आप निकालेंगे ऑप्शन डी में आपको नज़र आएगा कि V2O3 है यानी दो वैनेडियम के साथ तीन ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में V2O5 है यानी दो ऑक्सीजन वैनेडियम के साथ पांच ऑक्सीजन है. इससे पता चल रहा है कि ऑक्सीजन वैनेडियम ने गेन किए हैं और ऑक्सीजन बढ़ रहा है. और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो V2O3 में तीन ऑक्सीजन का चार्ज -6 होगा और दो वैनेडियम का चार्ज +6 होगा जिसका मतलब एक वैनेडियम +3. प्रोडक्ट में है V2O5 इसका मतलब पांच ऑक्सीजन का चार्ज -10 होगा और दो वैनेडियम का चार्ज +10 होगा तो एक वैनेडियम +5. तो V+3 V+5 में कन्वर्ट हो रहा है. इन दैट केस आल्सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन डी इज द राइट आंसर. 82 इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है और आपसे कहा गया है विच फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ये है और इसमें हमें नजर आ रहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है एंड देन आई हैव कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप. बड़े स्टाइल से हमने उसको ऐसे बनाया है जैसे लग रहा है वो OH अलग है और कार्बोनाइल ग्रुप अलग है, लेकिन मेरा ख्याल है जो बच्चे समझदार हैं उन्हें साफ नजर आ रहा है ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड जो अल्कीन में होता है. तो आपके पास जो ऑप्शंस थे उनमें तीन कॉलम बने हुए थे कि अल्कोहल है, अल्कीन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो आप इसमें टेक्निकली कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कीन है. तो दिस इज ऑप्शन सी. 83 इसमें कहा गया व्हाट इज नॉट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज से हमें इथेनॉल मिलता है. उसमें हमें ग्लूकोज यानी शुगर चाहिए होती है और उसमें हमें एंजाइम यानी यीस्ट चाहिए होता है और उसमें हमें पानी चाहिए होता है. ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसकी हम फर्मेंटेशन करते हैं. तो लाइट की उसमें कोई जरूरत नहीं. दिस रिएक्शन इज नॉट फोटोकेमिकल रिएक्शन सो लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर दिस रिएक्शन. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 84 में कहा गया विच प्रोसेस इज नॉट एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक जिसमें हीट इवॉल्व होती है. फ्यूल बर्न हो या कोई भी फ्यूल, फॉसिल फ्यूल हो या कोई भी फ्यूल की बर्निंग एक्सोथर्मिक है. इसलिए फर्स्ट ऑप्शन एक्सो है. थर्ड ऑप्शन रेडियो एक्टिव डेके ऑफ यूरेनियम. इससे भी एनर्जी बहुत जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है इसलिए ये भी एक्सो है. और रिएक्टिंग हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, याद रहे कोई भी चीज ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है इसी को तो बर्निंग कहते हैं. तो बजाय लिखने के बर्निंग हाइड्रोजन हमने कह दिया रिएक्टिंग हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो दैट इज बर्निंग, दैट इज एक्सोथर्मिक. लेकिन जो ऑप्शन बी है उसमें साफ साफ आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि ऑब्टेनिंग लाइम फ्रॉम लाइम स्टोन. लाइम स्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट. उसे हीट करते हैं तो वो डीकम्पोज होकर लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. डीकम्पोजिशन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन विच इज नॉट एक्सोथर्मिक ऑब्वियसली. तो इन्होंने भी ये कहा था कि कौन सा रिएक्शन एक्सो नहीं है यानी कौन सा रिएक्शन बेसिकली एंडो है, तो वो है ऑप्शन डी. 85 आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ऑक्साइड यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एज शोन इन द इक्वेशन. इक्वेशन भी हमने वर्ड फॉर्म में लिखी है कि आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलता है तो आयरन बचता है
और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ऑक्साइड की ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था अगर किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ये ऑक्सीडेशन है। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जिसमें एक ऑक्सीजन है वो अपने आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी दो ऑक्सीजन के साथ अटैच कर लेती है। तो इट मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारी बातें इनवैलिड हैं फॉर द रिएक्शन, तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हमने 86 क्वेश्चन में आपको पीरियोडिक टेबल का एक स्केच बनाकर दिया और ये याद रखना है कि एज ए टॉपिक पीरियोडिक टेबल सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम एस पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो हमें पीरियोडिक टेबल की इतनी नो हाउ होनी चाहिए कि विच पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। मैंने आपसे क्लास में भी कहा था कि एज ए चैप्टर नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि हमें पीरियोडिक टेबल का नाम लेना भी हराम हो गया पेपर में। सो 86 जो है उसमें जो बात पूछी गई है इट्स बेसिकली ट्रांजिशन मेटल थिंग कि उन्होंने कहा एक एलिमेंट है 1455 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, उसकी डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और वो ग्रीन क्लोराइड बनाता है, बताइए वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ है। अव्वल तो इसमें मौजूद एक एक बात हमें बता रही है कि वो एलिमेंट कौन सा होगा, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी अपनी नॉलेज लिमिटेड है। लेट मी टेल यू, ये डी है ये अल्कली मेटल्स में बना हुआ है। अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल के वो मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट को देखते हुए ये अल्कली मेटल नहीं हो सकता। और अगर फिर आपको याद आए तो अल्कली मेटल्स की डेंसिटी, इवन ये वाला जो मेटल बना हुआ है ये तो लिथियम है, इसकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है, 1 से भी कम होती है, इसलिए 8.9 की डेंसिटी इसकी भी नहीं हो सकती। तो ये दोनों बातें जाहिर करती हैं बी तो ये हो ही नहीं सकता। और फिर सबसे बड़ी बात, ग्रीन क्लोराइड बनाने का मतलब है इट इज ट्रांजिशन मेटल। इसी तरह अगर आप ए और डी में कंफ्यूज हो तो ए तो ये हो ही नहीं सकता, ए तो हीलियम है, नोबल गैस का मेल्टिंग पॉइंट ये हो और उसकी डेंसिटी ये हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी और वो तो कोई क्लोराइड ही नहीं बनाता, व्हाइट क्या और ग्रीन क्या। इसी तरह ये जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है दिस इज एन हैलोजन और ये वो हैलोजन होगा आयोडीन, तो अगर हम इसको बनाए वेस्ट तो आयोडीन सबलाइन सॉलिड है, उसका तो वैसे भी मेल्टिंग पॉइंट बड़ा कम है क्योंकि वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है और हल्का तरीन है, डेंसिटी भी उसकी ज्यादा नहीं, नॉन मेटल है वैसी डेंसिटी कम होती है और वो कोई ग्रीन ग्रीन क्लोराइड नहीं बना सकता। इस लिहाज से हर ऑप्शन, तीन निशानियां दी हैं, तीनों निशानियां रिवील कर रही हैं कि द एलिमेंट मस्ट बी ट्रांजिशन मेटल और एबीसीडी में सिर्फ सी ट्रांजिशन मेटल वाले इलाके में बनाया गया है, इसलिए दैट इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन 87 दिया गया, तो 87 में हमें चार केमिकल्स बनाकर कहा बताइए किसका स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है, यानी किसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं की गई, कौन ऐसी चीज है जो गलत स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ऑप्शन सी में दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाकर हमने उसके साथ तीन तीन हाइड्रोजन शो कर दिए, इस तरह हर कार्बन की वैलेंसी 5 बन रही है, ये कार्बन तो नहीं हुआ ये तो टार्जन हो गया, इसलिए ये आंसर है हमारा क्योंकि दिस इज द रॉन्ग स्ट्रक्चर एनीवे। तो दिस इज माय आंसर दैट इज ऑप्शन सी अगेन। देन आई हैव 88 और 88 में मुझे कहा गया हाउ विल द इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ मोर क्लोरीन इज एडेड। हमारे पास जो इक्वेशन है जिसके बारे में सवाल हो रहा है दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज दिस, और अगर मैं और क्लोरीन ऐड करूं विच इज द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऐड करने से रिवर्स रिएक्शन होता है यानी ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट बनता है या इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड को शिफ्ट होता है। तो अब आप देखें ऑप्शन डी में लिखा है इट विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, सो डी इज द राइट आंसर। 89 में आपसे कहा गया है विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड, एंड आई होप हमने से हर बच्चे को ये बात याद होगी, 9th क्लास से फर्स्ट ईयर तक हम ये कहते रहे कि अमोनियम क्लोराइड इज द मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल वेयर ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। इसमें नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, चौथे के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और अमोनियम और क्लोराइड आपस में आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। सो ऑप्शंस में लिखा आयनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट ऑल ऑफ दीस, तो ऑल ऑफ दीस इज द राइट आंसर। अमोनियम क्लोराइड में तीनों टाइप के बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। Aldehydes can be synthesized by the oxidation of primary alcohols. मेरे ख्याल में ये बात हम सबको याद होनी चाहिए। Primary alcohols oxidize होकर aldehyde बनाते हैं,
सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन बनाते हैं और टर्शियरी अल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। 91 डैश इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट फॉर हेबर्स प्रोसेस इन अमोनिया गैस मैन्युफैक्चर, इट इज आयरन, ऑप्शन ए, आयरन को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट फॉर हेबर प्रोसेस। 92 is with increase in number of unpaired electron paramagnetism increases, paramagnetism depend karti hai how many number of unpaired electrons are there in a metal, unpaired electron na ho to wo diamagnetic hoga, ek unpaired electron ho paramagnetic, do ho to wo paramagnetism badhti jayegi, jitne unpaired electron honge wo badhti jayegi। 93 hydrogen pass through if through phenol at 150 degree centigrade in the presence of dash catalyst to give cyclohexanol, तो आपको याद आएगा ये फिनोल का रिएक्शन है, फिनोल में तीन डबल बॉन्ड है क्योंकि बेंजीन रिंग उसमें होता है विद OH और हाइड्रोजन अगर हम इसमें एड अप करते हैं तो तीनों डबल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं और ये बनाता है साइक्लोहेक्सानॉल। और इस रिएक्शन में बल्कि हर उस रिएक्शन में जिसमें डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन एड हो निकिल एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, तो यहाँ भी वही इस्तेमाल हो रहा है, तो निकिल इज ऑप्शन सी, दिस इज फॉर 93। Then we have 94. 100 meter cube of a gas at 3 atm pressure and 27 degree centigrade is transferred to a chamber of 300 meter cube volume maintained at temperature of 327 degree centigrade. What will be the pressure in the chamber? देखिए साहब ये सवाल जो हमने आपके सामने लिखा है, this is the double state form of general gas equation. P1 V1 divided by T1 is equals to P2 V2 divided by T2. और अगर हम इसे क्योंकि हमें निकालना है प्रेशर तो P2 की वैल्यू निकालें तो फॉर्मूला बनता है P1 V1 T1 ये T2 यहाँ और यहाँ V2, दिस बिकम्स द फॉर्मूला। तो अब अगर आप पढ़ें तो हमारे पास T1 है 3 ATM, V1 है 100 मीटर क्यूब और T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में चेंज करेंगे और 327 को भी केल्विन में, तो ऊपर T2 आना है विच इज 327 और इसमें 273 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 600 केल्विन डिवाइडेड बाय T1 है 27 डिग्री सेंटीग्रेड जिसमें 273 जमा करेंगे ये बन जाएगा 300 केल्विन और V2 हमारे पास है 300 मीटर क्यूब। देखिए वैल्यूज ऐसी प्यारी रखी गई हैं कि हमें से हर एक आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकता है, इसे आसानी से कैंसिल आउट कर सकता है। तो अगर मैं 3 से 300 को कैंसिल करूं तो 100 बचेगा, 100 से 100 कैंसिल, 300 वन जा 300, 300 टू जा ऊपर, तो ये आंसर बन रहा है 2, दैट इज 2 ATM। सो मेरा जवाब है 2 ATM विच इज ऑप्शन डी। 95 द क्रिस्टल्स ऑफ डैश आर आयनिक सॉलिड्स, तो इसमें जो एग्जांपल दी गई शुगर आयरन डायमंड NaCl, तो NaCl के क्रिस्टल्स आयनिक हैं, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 96 में कहा गया है कि व्हेन 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 0.15 मोल ऑफ आयोडीन गैस आर हीटेड एट 723 केल्विन अंटिल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज फाउंड टू कंटेन 0.26 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। The equation for the reaction is as follows. What is the correct expression for the equilibrium constant K? आपके पास जो equation है वो equation है जनाब hydrogen और iodine आपस में reversible reaction करके बना रहे हैं 2HI। ठीक हो गई बात, इन्होंने आपको reaction में लिख करके दिया है कि अगर आपके पास initially hydrogen का 0.2 mole हो 20 और आयोडीन का 0.15, इस मौके पर आपके पास एच आई बिल्कुल नहीं है इनिशियली, इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हुआ है तो एच आई बन गया है 0.26, तो आप फैसला कीजिए आयोडीन कितना बचा है और हाइड्रोजन कितना बचा है। इक्वेशन का रेशो आपको बताता है 1:2, यानी जितना एच आई बना है उससे आधा आयोडीन कम हुआ होगा आधा हाइड्रोजन, क्योंकि आपको इक्वेशन कह रही है अगर हाइड्रोजन आयोडाइड 2 बनता है तो आयोडीन 1 इस्तेमाल होता है, H2 भी 1 इस्तेमाल होता है, तो मेरे पास HI कितना बना है 0.26, 0.26 का आधा कीजिए 0.13, तो 0.13 हाइड्रोजन में से माइनस कीजिए यहाँ बचेगा 0.07, 0.13 आयोडीन में से माइनस कीजिए यहाँ बचेगा 0.02,
अब आपके पास इक्विलिब्रियम पर H2 की कंसंट्रेशन भी आ गई, I2 की भी आ गई और HI की तो गिवन ही थी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला इक्वेशन को देखते हुए है HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2I2। तो इसका मतलब ये हो गया कि HI जो है वो है 0.26 इसका होगा स्क्वायर, H2 है 0.07 और HI2 है 0.02। तो अब तलाश कीजिए आंसर में, ये एक्सप्रेशन हमारे पास सी में मौजूद है, सो सी इज द राइट आंसर। द रेट इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन इज गिवन, रेट इज इक्वल्स टू के विद द कंसंट्रेशन AV। If the concentration units are mole per decimeter cube, what are the possible units of the rate constant K? मेरा ख्याल है हम सबको ये बात याद है कि अगर कोई रिएक्शन इस अंदाज से लिखा जा रहा है तो रेट एक्सप्रेशन का यूनिट निकालने का क्या तरीका होगा। आप यहाँ से रेट का फॉर्मूला बनाइए, ये के का फॉर्मूला बनाइए, ये ऐसे बनेगा, ठीक हो गई बात। अब रेट का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट उन्होंने क्वेश्चन में भी दे दिया है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नीचे दो कॉन्सेंट्रेशन है, ए की भी और बी की भी, तो दो दफा लिखेंगे। और अब आपको अंदाजा हो रहा है एक मोल से एक मोल कैंसिल, एक डेसीमीटर क्यूब से एक डेसीमीटर क्यूब कैंसिल, क्या बचा? ऊपर बचा सेकेंड इनवर्स, नीचे बचा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जो कुछ नीचे बचा है अगर मैं उसे न्यूमरेटर में ले जाऊं तो डेसीमीटर क्यूब की पावर प्लस हो जाएगी और मोल की पावर माइनस हो जाएगी। इसका मतलब है आंसर हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। और ये जवाब हमारे पास मौजूद है ऑप्शन बी में, सो दिस इज 97 व्हिच इज ऑप्शन बी। 98 में लिखा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन 2NO plus O2 forming 2NO2 if concentration of NO is halved। देखिए जो इक्वेशन आपको दी गई है उसके मुताबिक NO के साथ 2 लगा हुआ है, तो अगर मैं NO की कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि NO के साथ 2 लगे होने का मतलब है जब आप इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो NO की कंसंट्रेशन पर स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर आने का मतलब है जब हम NO में कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो इफेक्ट डबल का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स होगा, लेकिन वो डबल नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं हाफ 1/2। तो आप 1/2 का स्क्वायर कीजिए, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, इसका मतलब है इट डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। तो अगर मैं दो कंसंट्रेशन डबल करूं तो इंक्रीजेस होगा 4 टाइम्स, अगर मैं कंसंट्रेशन हाफ करूं तो इफेक्ट है 1/4, 1/4 का मतलब हुआ डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। तो दिस इज ऑप्शन डी। 99 में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में सबसे आसान सवाल था आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑप्शन बी। 100 में हमने आपसे कहा सोडियम इथो ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद इथाइल ब्रोमाइड, तो क्या बनता है, ये रहा 100 और हम बनाकर देखते हैं। आपसे कहा गया सोडियम इथो ऑक्साइड, सोडियम इथो ऑक्साइड इज दिस, और ये रिएक्शन कर रहा है इथाइल ब्रोमाइड से, इथाइल ब्रोमाइड इज दिस। तो सोडियम और ब्रोमीन आपस में मिलकर बनाएंगे सोडियम ब्रोमाइड, SN रिएक्शन है, और साथ में बनेगा डाई इथाइल ईथर, इथोक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर, एंड दैट इज ऑप्शन ए। 101 हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन इज, देखिए ये है इक्वेशन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्मिंग 2HCl, वो पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ मासेस। तो भाई आपके सामने इक्वेशन है और इस इक्वेशन में दोनों का 1-1 मोल है, हाइड्रोजन का 1 मोल 2 ग्राम, क्लोरीन का 1 मोल 71 ग्राम, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनता है, ये 2 और 71 का मतलब है अगर इसका 1 होगा तो इसका 35.5 होगा, याद रहे रेशियो हमेशा सिंपल लिया जाता है। तो या तो 271 ऑप्शन में मौजूद हो या 135.5 मौजूद हो, तो 271 तो कहीं भी नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए 270 लिखा हुआ है और 171, लेकिन जो सही जवाब है वो ए है जिसमें सिंपलेस्ट रेशियो लिखा हुआ है एंड दैट इज 135.5। अगर हाइड्रोजन का 1 होगा तो क्लोरीन का 35.5 होगा।
फिर हमने 102 में आपसे कहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द गिवन सबशेल, हमें अफवाह प्रिंसिपल के मुताबिक इन ऑर्डर इन एनर्जी के शेल्स को अरेंज करना है, तो मेरे ख्याल में सही तरीन अरेंजमेंट है डी में, जिसमें बताया गया है कि 5s की एनर्जी इनमें सबसे ज्यादा है, उसके बाद 3d, उसके बाद 4s, उसके बाद 3p. सो डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू अफवाह प्रिंसिपल. इसके बाद है 103. 103 में हमसे पूछा गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के मुताबिक कि अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम एंड द मॉलिक्यूल्स आर इन द ऑर्डर. तो ये उसकी पोस्टुलेट है कि लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन से ज्यादा होती है, और वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन से ज्यादा होती है. तो ऑप्शन ए में बिल्कुल सही ऑर्डर लिखा हुआ है, दैट्स आवर आंसर. 104 reactants have high enthalpy than product. अगर reactant की enthalpy product की enthalpy से ज़्यादा हुई तो ऐसा reaction exothermic reaction होता है. A is the right answer. फिर in zero order reaction the rate is independent of the concentration of reactant, क्योंकि rate light पे depend करता है, इसलिए B is the right answer. और फिर इसके बाद है along a period atomic radius decreases. This gradual decrease in radius is due to along the period radius इसलिए decrease होता है कि हर step में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है, दिस इज ऑप्शन डी. इसके बाद 107 में कहा अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स इन वाटर इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप. खत्म हो गई बात. विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड इज लीस्ट सॉल्युबल. अगर सॉल्युबिलिटी नीचे की तरफ जाते हुए इंक्रीज हो रही है तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल ऊपर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी. मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम में ग्रुप में सबसे ऊपर मैग्नीशियम होता है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, इज द राइट आंसर. 108 में कहा गया विच व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद HBr. प्रोपीन इज दिस. और जब वो HBr से रिएक्ट करता है, दिस इज एडिशन रिएक्शन, और मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक नेगेटिव पार्ट शुड बी एडेड टू द कार्बन व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए 2 ब्रोमो प्रोपेन हमें मिलेगा. और ये 2 ब्रोमो प्रोपेन का स्ट्रक्चर ऑप्शन बी में बना हुआ है. सो 108 इज बी. इसके बाद है 109 में हमसे कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, और वो रिएक्शन है C2H5OH प्लस PCl5. बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा. ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन में था, इससे बनता है C2H5Cl क्लोरोईथेन, इससे बनता है HCl, और इससे बनता है POCl3. तो ये पूरा ऑप्शन हमारे पास सी में, ऑप्शन सी में मौजूद है, दैट इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन हाइड्रोजन एटम गिव स्पेक्ट्रल लाइन एट 4860 डिग्री एंगस्ट्रॉम. 4860 इज द विजिबल रीजन. विजिबल रीजन पे है बामर सीरीज, ऑप्शन सी. In which of the following reaction Kp and Kc will have same numerical value? इनमें से कौन सी reaction ऐसा है जिसमें Kc Kp की value same होगी? हमने आपसे कहा था वो reaction जिसके number of moles of reactant and number of moles of product same हो, और ऐसा D में है कि reactant और product दोनों में दो-दो moles हैं, इसलिए D वो equation होगी जिसका Kc और Kp same है. 112 में है ये, sorry यही 112 था, मैं एक miss कर गया. 111 is melting point of alkali metal decreases with. Alkali metals का melting point down the group decrease होता है, तो down the group increase in atomic mass हो रहा है, इसलिए वहाँ भी इत्तेफाक से option D ही right answer था. और 112 में भी हमने भी कहा D ही right answer है. तो 113 पर आ जाइए, ये है addition reaction shown by alkene are example of electrophilic addition reactions. तो electrophilic addition reaction है हमारे अल्कीन के एडिशन रिएक्शंस, दिस इज ऑप्शन ए. इसके बाद है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस इज. क्रिस्टल्स का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट सेल कहलाता है, ऑप्शन ए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज एन आयनिक रेडियस दैट इज लार्जर देन इट्स एटॉमिक रेडियस. एनायन का साइज उसके एटॉमिक साइज से बड़ा होता है, तो इन चारों ऑप्शंस में क्लोरीन एनायन बनाता है, तो वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी. 116 में हमने कहा एक सिंपल आयन है जिसके ऊपर +1 का चार्ज है और उसमें 8 प्रोटॉन्स हैं,
व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्स प्लस वन. अगर एक्स प्लस वन में 8 प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब है इस वक्त इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका नेट चार्ज प्लस वन लिखने का मतलब है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है. जिसमें 8 प्रोटॉन हो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं, लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी वो प्लस वन का कैटायन बनाएगा. तो इस वक्त इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p3 होती है, और ये ऑप्शन है ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी में हमारा जवाब है 117 में हमारे पास है निकल मेक्स अप 29.5% ऑफ द टोटल मास ऑफ अ कॉइन. द कॉइन हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम. हाउ मेनी निकल आइटम्स आर देयर इन द कॉइन. देखिए अगर वो 29.5% है तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम निकल होता तो उसमें 29.5 ग्राम निकल होता. तो अगर वो 1 ग्राम निकल होता तो 29.5 डिवाइडेड बाय 100, और 10 ग्राम में दिस इज 29.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10. आंसर आएगा 2.95. तो अब 2.95 ग्राम निकल मेरे पास है और मुझे बताना है कि उसमें कितने एटम हैं. तो फॉर्मूला क्या है, इसे हम इसके एटॉमिक मास 59 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा 0.05, और फिर इसे एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और ये बनेगा 3.01 इंटू 10 की पावर 22. तो आपके पास जो सही जवाब है सी, ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें हमने कुछ कैलकुलेशन शो की है. तो थोड़ा टाइम नेक्स्ट बात है, मैंने जल्दी जल्दी किया, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बड़े मजे से हो जाएगा. 118 ऑर्गेनिक थोड़ा सा. विच कंपाउंड वुड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, और वो इन चारों में है इथेनॉल, दैट इज ऑप्शन बी. 119 में हमें दिया गया है लेमोनिन इज एन ऑयल फॉर्म्ड बाय इन द पील ऑफ सिट्रस फ्रूट, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है. व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन रिएक्ट्स विद लेमोनिन एट रूम टेंपरेचर इन द डार्क. डार्क का मतलब है कि ये ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए सनलाइट की जरूरत होती है, ये सिर्फ एडिशन करेगा, और एडिशन कहाँ होगी, जहाँ डबल बॉन्ड है. हमने एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया, नाम भी नहीं सुना हुआ होगा लेकिन उससे हमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है. हमें दिलचस्पी इस बात से है कि इसके स्ट्रक्चर में दो जगह पर डबल बॉन्ड है, तो उन दोनों जगहों पर क्लोरीन को ऐड, ब्रोमीन को ऐड हो जाना चाहिए. सो इफ दिस इज द स्ट्रक्चर, तो इसमें एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, यहाँ डबल बॉन्ड खत्म होगा और इसी जगह ब्रोमीन ऐड होगा. जब ब्रोमीन ऐड होगा तो वो स्ट्रक्चर बनेगा जो डी में बना हुआ है, दैट इज ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर. 120 Which compound undergoes SN1 substitution reaction? SN1 करते हैं वो reaction जो 3 degree alkyl halide हो. तो अगर आप notice करें, सारों में halogen जिस carbon से लगा हुआ है वो carbon CH2 है, यानी उसके साथ दो hydrogen लगे हैं, ये primary alkyl halide होते हैं. A में भी CH2Br, B में CH2I, C में CHCl है लेकिन वो C double bond बना रहा है. इसका मतलब है ये सारे primary हैं. तो फिर tertiary कौन हुआ? ये जो आपके सामने लाइन स्ट्रक्चर से बना हुआ है ना ऐसे करके, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है ये, इस कार्बन के इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी CH3 है, तो ये टर्शियरी कार्बन है जिसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए आंसर है सी. At room temperature and pressure, chlorine does not behave as an ideal gas. At what temperature and pressure would the behavior of chlorine becomes more ideal? हम आपको रटवाते थे कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर गैसेस बिहेव एज एन आइडियल गैस. तो तलाश कीजिए चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर को रिवील कर रहा है. तो ऑप्शंस में सबसे हाई टेम्परेचर 400 है, एक जगह पर ये 400-200 प्रेशर के साथ है और एक जगह 50 प्रेशर के साथ है. ऑब्वियसली मुझे लो प्रेशर चाहिए, तो मेरा सही जवाब होगा बी. 122 में कहा विच पेयर ऑफ सब्सटेंसेस कुड रिएक्ट टू गिव एन एस्टर. CH3, CH2, CO2, CH3 है, मिथाइल प्रोपानोएट. अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देख रहे हैं, दिस इज मिथाइल प्रोपानोएट. इसे हम कौन से दो कंपाउंड्स के रिएक्शन से बना सकते हैं? तो भाई मेरा ख्याल है कि इसे बनाने के लिए आई नीड प्रोपानोइक एसिड एंड मिथेनॉल.
इन दोनों का रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ से वाटर इलिमिनेट होगा और मुझे एग्जैक्टली वही एस्टर मिलेगा जो ऊपर बना हुआ है. तो आंसर है मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉइक एसिड, विच इज ऑप्शन सी 122C. Then 16 gram oxygen gas occupies less volume at STP. 16 gram oxygen gas means O2. तो O2 का मतलब है 16 को 32 से डिवाइड करें 0.5 मोल. तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 है, तो हाफ मोल का वॉल्यूम 11.2 डेसीमीटर क्यूब होगा. ऑप्शन में 11.2 डेसीमीटर क्यूब नहीं दिया हुआ, 11.2 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है. और आखिरी ऑप्शन दिया हुआ है 11,200 सेंटीमीटर क्यूब. अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 11.2 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा. तो हमने यूनिट का गुच्छा देने की कोशिश की. दिस इज ऑप्शन डी, दिस इज द राइट आंसर. एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, इट्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 125 में कहा गया एट ए गिवन टेम्परेचर डिफरेंट लिक्विड्स विल हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर बिकॉज मुख्तलिफ लिक्विड्स का मुख्तलिफ वेपर प्रेशर होगा बिकॉज उन सब में अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. सो द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल्स डिफर अमंग लिक्विड्स, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 126 में हमसे कहा जा रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉज रिएक्टेड विद मैग्नीशियम रिबन एंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व वॉज मेजर्ड for the first 80 second. Graph बना कर दे दिया. Which what is the average rate of production of hydrogen? आप graph में देखें x-axis पर 80 second हमें question में भी दिया हुआ है. आपको सिर्फ ये देखना है उस 80 second पर y-axis में कितना volume बना हुआ है. तो अगर आप graph की वजह से देखें तो volume आता है 32. 32 को आप 80 से divide कीजिए. आपका answer 0.4 आएगा, which is option A. 127, one mole of an ideal gas is expanded from the volume of 1.0 meter cube to volume of 10 meter cube against a constant external pressure of 10 newton per meter, 10 to the power 5 newton per meter square. How much work in joule is performed on the surrounding? Work ka formula hai P, W is equals to P delta V. P hamare paas hai 10 ki power 5 aur delta V hota hai V2 minus V1. तो हमारे पास V2 कितना दिया हुआ है 10 और V1 दिया हुआ है 1. तो 10 की पावर 5 ये अंदर बचेगा 9. तो आंसर आ गया 9 into 10 की पावर 5, which is option D. 128. Metals placed above hydrogen in the electrochemical series, जो metal hydrogen से ऊपर होते हैं electrochemical series में उनका reduction potential hydrogen से कम होता है. इसका मतलब है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो वो ऑक्सीडेशन खुद करते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं, इसलिए वो हुए रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज डैश पी कैरेक्टर 66.6%. दिस इज ए. 130. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर आइसोमर. जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें मीथोक्सी मीथेन एंड इथेनॉल एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है. ऑप्शन बी. 131 हो गया. अब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग. SO3 है, सल्फो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, बाकी सारे ऑल्सो पैरा डायरेक्टिंग है. 132 बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड यील्ड. भाई ये एसाइलेशन है, तो अगर आप बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं CH3COCl ये रहा, तो बेंजीन के किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह CH3 लगता है और HCl साइड प्रोडक्ट है. ये ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शन डी में. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. CH6H5 मींस बेंजीन रिंग, OCCH3 और साथ में HCl साइड प्रोडक्ट है. 133 में हमारे पास है the extraordinary stability of benzene is attributed to its delocalization of pi electron. Pi electron की delocalization जो है benzene की ring की stability की वजह है. Option C is the right answer. ये बात ध्यान में रखिएगा, बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड है, उसका रिंग स्ट्रक्चर है, उसमें सिग्मा बॉन्ड है, ये सब है, बिल्कुल है, लेकिन बेंजीन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी या एरोमेटिसिटी दिखाता है
जाहिर सी बात है उसका ताल्लुक इस बात से कि उसके पाए इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग पे डीलोकलाइज्ड हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 134 नाउ 134 इज डैश इज कॉल्ड वुड स्प्रिट, मिथेनॉल का नाम है वुड स्प्रिट, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 135 पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड्स गिव्स मेटा फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी। 136 सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल को कैनिजारोज रिएक्शन कहते हैं, ऑप्शन बी। 137 इथेनामाइड इज फॉर्म, इथेनामाइड फॉर्म होता है जब इथेनॉइक एसिड और अमोनिया आपस में रिएक्शन करते हैं, ऑप्शन बी। 138 इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ इथेनॉइक एसिड से मीथेन बनता है, इथेनॉइक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो एक कार्बन डीकार्बोक्सिलेशन में जाता है और हमें मीथेन मिलता है, व्हिच इज ऑप्शन बी। 139 इज वाटर सॉल्युबल प्रोटींस आर कॉल्ड एल्बुमिन्स, ऑप्शन सी। और 140 फैमिली ऑफ एंजाइम कैटालाइज द सेम केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड आइसोएंजाइम्स, दिस इज ऑप्शन सी एज वेल। तो अब ये हमने आपके सामने सारे आंसर्स डिस्क्राइब किए विद नेसेसरी एक्सप्लेनेशन, होपफुली ये आपकी हेल्प करेगा और इंशाल्लाह जो आपका पेपर इंशाल्लाह हो ही जाएगा और उसमें अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबी अदा करे। आमीन सुमामीन, थैंक यू वेरी मच।